काय हमें चीनत नहीं यहाँ, हम पत्रकार आए। जो शब्द मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में इन दिनों जोर पकड़ रहा हो, और खास तौर से छतरपुर में तो भगवान ही मालिक है। ढेरों पत्रकार ऐसे जो पत्रकारिता को पा भी नहीं जानत, और क्यों तो ऐसे हुई है जो मुश्किल से पांचवी पास भी हुए तो गनीमत मानियो। लेकिन इसके बाद भी फर्जी पत्रकार ऐसे ऐसे कामों में लिप्त हो रहे जो पत्रकारिता को कलंकित कर रहे और कानून को दांव पे लगा रहे। छतरपुर में नौगांव पुलिस ने 3 फर्जी पत्रकारों को पकड़े हैं एक कार के संगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जे फर्जी पत्रकार नशीली दवाइयों को अवैध कारोबार कर रहे थे। इनके पास से 300 बोतल कोरेक्स सिरप, जो खांसी की दवाई और आमतौर पर नशे के लाने उपयोग होते, वो बरामद करेगा है। हाँ, जब इनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो इन्होंने अपनी पत्रकारिता का दोष दी हमारे भरोस को, हमको कि हम लोग पत्रकार हैं और जो ठीक नहीं किया आपने हमको रोककर, एक्सेल प्रेस की स्टिकर लगाए हुए हैं तथा जो अनुमति है शिफ्ट डिजायर पर वो अपर कलेक्टर छतरपुर की लगी हुई है, लेकिन ये जो परिवार को छतरपुर से बांधा छोड़ने का है और जिसमें अमीर का परिवार ना होकर जो लोग तस्करी के लिए उपयोग करते थे और ये 24/7 चैनल के पत्रकार बताए गए हैं, इनके कब्जे से 3 आईडी भी जब्त की गई हैं जिनकी ये तस्दीक की जा रही है कि ये ओरिजिनल पत्रकार है या फर्जी है। ये फर्जी पत्रकार प्रशासन की परमिशन कार पे ऊपर लगा के उत्तर प्रदेश के बांदा से नौगा होत भाई छतरपुर जा रहे थे। आरोप जो है कि जे लगातार उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में इन नशीली दवाइयों की तस्करी करते, नौगांव पुलिस ने नैगवा रोड पे मुखबिर की सूचना पे इन्हें गिरफ्तार करे है। इनके पास से फर्जी प्रेस कार्ड भी बरामद करे हैं। जी सर, कुछ पत्रकार पकड़े हैं जो नशीली दवाइयों का परिवहन कर रहे थे, क्या मामला है पूरा? 26/20 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली उसमें स्टिकर लगाकर प्रेस का और अवैध रूप से नशे की दवाई है कोडी स्टार जो 100 ml की रहती है, इसको उत्तर प्रदेश से लाते हैं और उसको दुगनी तिगनी कीमत पर 250-300 रुपया की कीमत पर छतरपुर युवाओं को देते हैं जो जिसमें नशा रहता है। और चूँकि अभी राज्य शासन ने शराब पर रोक लगाई है तो शराब को छोड़ के मुझे नशेली जो दवाइयाँ रहती हैं कोडी स्टार वो हमने पकड़ा है, 290 cc है और एक मारुति कार है जिसका नंबर MP16 है, CV2618 है जो शिफ्ट डिजायर है और इसको कोई अमित खां के नाम से अभी आरोपियों ने पूछताछ पर बताया है कि उसकी है और इसको 1,000 रुपये में किराए से पर डे में लेते हैं तथा ये उत्तर प्रदेश से लाकर यहाँ तस्करी के रूप में कार्य करते हैं। पत्रकारिता की आड़ में अवैध कामों में क्यों ऐसे लोग सक्रिय हैं और इनको बढ़ावा देवे बारे भी शायद इनसे बड़े अपराधी साबित हुई हैं। जरूरत है इन सब पे कर से रोक लगाए की।